टीमों का रोल रहा है, ये लड़ाई खत्म नहीं जरूरी है, ये लड़ाई खत्म नहीं होनी, ये चलती रहेगी जब तक के डंडा हाथ से छूट नहीं जाता। डंडा एक ही हाथ में है और वो सबको बड़ी बड़ी फेंटा लगाता है, पहले डिवाइड करता है, पहले एक तरफ के लोगों को फेंटा लगाता है, फिर दूसरी तरफ के लोगों को फेंटा लगाता है, फिर उधर लगाता है, फिर उधर लगाता है। जब तक ये डंडा या टूट नहीं जाता, ये हाथ से छूट नहीं जाता, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। देखिए कब तक चलती है, फिलहाल तो डंडे खा रहे हैं, जब सारे इकट्ठे होकर मार खाते हैं ना तो थोड़ी दर्द होती है, थोड़ी दर्द होती है, जब अकेले अकेले को मारते हैं तो ज्यादा दर्द होती है। बिल्कुल जी, इकट्ठे होकर मार खा के सियासतदानों ने तो इतने सालों में सबक नहीं सीखा, साहब ही जल्दी सीखे हैं। सियासतदानों को भी सबक सीखने नहीं दिया गया, ये डिवाइड एंड रूल की एक पॉलिसी है, इन्होंने आपस से लड़ाओ तो समझ ना आते हो। और मेरे ख्याल में हमें आपस में बहुत इख्तलाफ रखना चाहिए, साथियों को एक दूसरे के नुक्ता नज़र से शदीद इख्तलाफ रखना चाहिए, लेकिन जब नुक्ता नज़र पे किसी को गिरफ्तार करके ज्यादती की जाए तो वहाँ पे हमें कहना चाहिए रेड लाइन इसको ना क्रॉस। फिर अभी सियासतदानों को समझने तो कब आएगा सर, उनको समझ इसलिए नहीं आएगी कि उनके ऊपर जो लोग हैं ना जिन पे वो भरोसा करते हैं वो समझ आने नहीं देंगे।